आपका हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों, तो अभी मैं जस्ट उठा था और आरुष अभी भी जो है सो ही रहा है। तो गाइस, फाइनली ये आरुष जो है ये उठ चुका है और देखिए उठते ये क्या कह रहा है। दूध दे दो। सुना गाइस आपने? अपने आप अकेले उठ, देख रहे हो गाइस उसे कितना आलसी है। टाइम दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए गाइस, फिलहाल छुट्टियाँ चल रही है ना, देखिए गाइस ये 9-9 बजे तक सोता है। कौन सा मिनट चल रहा होता है स्कूल में इस टाइम तक? मैं बताऊं? थर्ड। यानी कि वन थर्ड का स्कूल उसका खत्म भी हो जाता है। और गर्मियों में गाइस ये अब उठता है। फिलहाल आरुष ने दूध पी लिया है, अभी ऊपर आए हैं और यहाँ पर जो है टीवी चल रहा है। गाइस अभी जो है एक दिक्कत हो चुकी है, आरुष उसका जो हाथ है उसमें बहुत तेज स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि वो बहुत तेज जीने में आ रहा था। हम उसे करते हैं मना, लेकिन सुनना तो उसे है नहीं, तो वो बहुत तेज ऐसे ही जीने में जा रहा था। तो और उसका पैर जो है वो बहुत तेज़ी से ऐसे फिसल गया, फिर वो अपने हाथ के ऊपर ही गिर गया है। तो अब डर है कि कहीं फ्रैक्चर ना हो, उसे लेकर गए हैं सब लोग। मैं फ़िलहाल अभी अकेला हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, कहीं फ्रैक्चर ना निकल जाए। तो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं और काफी मजा आया, चलो अब थोड़ी देर फुटबॉल खेलने चलते हैं। बच्चे जा चुके हैं, काफी मजा आया, काफी देर खेल लिया है। तो अभी आरुष आ गया था, अभी आधा पानी किया था, रिकॉर्डिंग नहीं की थी उस टाइम, और फिलहाल अभी आया है, आके थोड़ा रेस्ट कर रहा है। उसके पट्टी वट्टी करी है डॉक्टर ने, जो भी है उसके डॉक्टर ने पट्टी वट्टी करी है जो भी है, तो उसे रेस्ट करने देते हैं। तो गाइस व्हाट अ सरप्राइज, गाइस नानी मामा भी गाइस आ चुके हैं और आरुष जो है उसकी हालत हुई है तो उसे ही देखने आए हैं और यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो अभी गाइस लंच टाइम हो चुका है, ये तो ऐसे मखाने खा रहा है, यहीं पे खा रहा है ये तो। और फिलहाल वैसे आज बना है दाल का पराठा और भिंडी, काफ़ी सारा मैंने खा लिया है। मेरी कुछ टेक वीडियोस की फाइल ट्रांसफर जरूरी थी, तो यहाँ पे लिखा रहा है 2 hours 1 hour 10 minutes लेफ्ट, कभी 1 आ रहा है कभी 2 आ रहा है। तो गाइस मम्मी भी आ गई हैं पढ़ा के और पिताजी डैडी पापा वो भी आ गए हैं। शाम का टाइम फिलहाल चल रहा है और मैं गार्डन में ऐसे ही आ गया था टहलने के लिए, थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए अपने आप को गार्डन में आ गया था मैं। तो यहाँ पर गाइस ये है मेरा पुलअप बार, इसे लटकने वाला कहते रहते हैं, लेकिन मुझे पता चला रिसेंटली अपने एक कज़न भैया से कि ये पुलअप बार है, इसे लटकने वाला नहीं पुलअप बार कहना है। और काफ़ी अच्छा सनसेट का टाइम चल रहा है, रिलैक्स करते हैं। पिताजी फादर पापा जैसा कि मैंने आपको बताया आ गए हैं, तो ये हमारे लिए अब बनाना शेक बना रहे हैं और आरुष के लिए थोड़ा दूध ही बनाएंगे हल्दी के लिए, उसके लिए वो अच्छा रहेगा ना। तो चलिए इनके हाथ का बनाना शेक पीते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है फिलहाल हमारा बनाना शेक, पी के आपको टेस्ट करते हैं, टेस्ट बताते हैं कि कैसा बनाया है। ये बेसिकली जो इवनिंग टाइम है वो हमारा थोड़ा ऐसे रिलैक्स का टाइम है और
ज्यादा। चलिए बनाना शेक गाइस, इन्होंने टेस्टी सा बनाना शेक बना दिया है और अभी देखिए इसे टॉपसी टर्वी कर रहे हैं। आरुष के लिए हल्दी का दूध सही रहेगा। कुछ देर में लगता है H2O गिरना स्टार्ट ही हो जाएगा। हल्का हल्का ऑलरेडी H2O की ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं नीचे। H2O केमिस्ट्री पढ़ो। H2O यानी कि वाटर, पानी। हल्की हल्की सी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा आज का वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो डिनर रेडी हो चुका है। गजब बेइज्जती है। तो आज गाइस फास्ट है तो इस वजह से बनाई है कुट्टू की पकौड़ी और यहाँ पे एक दही। तो चलिए खाते हैं गाइस। यार एक दिक्कत हो गई, हमारा जो इंटरनेट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई गाइस। बहुत तेज आज वो चल रही थी ना, आंधी वगैरह, इतनी तेज विंड वगैरह ब्लो वगैरह कर रही थी। तो अभी देखते हैं ऊपर जाके, तार वार तो नहीं टूटे चेक कर लिए। अब वो शायद उनके एंड पे कुछ हो रहा हो, नेट वालों के एंड पे। ये देखो गाइस, रेड लाइट आ रही है राउटर में। फिलहाल देखते हैं, अपने आप सही हो जाता है वैसे ज़्यादातर बार, तो काफ़ी कम होता है ऐसा इसके साथ, लेकिन ज़्यादातर बार ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेट जाता है तो फ़ोन करने की हमें ज़्यादा, इंटरनेट वालों को फ़ोन करने की हमें ज़्यादा नीड नहीं आती। तो टाइम इस टाइम हो चुका है 7:45। तो यही टाइम है हमारे डिनर करने का। तो अभी इस वाले व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है और अभी रात हो चुकी है। और आज आपने देखा कि कैसे आरुष के हाथ में जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। चलिए जल्दी सही हो जाएगा, अभी डॉक्टर ने कल फिर से जाने को कहा है। तो एंड कर देते हैं इस वाले व्लॉग को। अच्छा लगा लाइक कर लेना, बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय।